ओके, इन द लास्ट वीडियो वी वर्क ऑन द ड्रॉप फिगर्स, हमने टू स्टेजेस में किया था उसको. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द मैच्योर फॉर्म ऑफ द ह्यूमन फिगर. सो फॉर दैट पर्पज आपको क्या करना है कि सेम ग्रिड ड्रॉ करना है और आपने जो स्टेज वन का ड्रॉप फिगर था उसके मेजरमेंट्स को शिफ्ट कर देना है न्यू ग्रिड के ऊपर. तो यू कैन ईजिली सी कि मैंने हेड ड्रॉ कर दिया हुआ है बिकॉज फर्स्ट हेड पे जो हमारे क्रोकी का हेड ही आना है. उसके बाद सेकंड हेड को मैंने 1/4 और उसके सेंटर पार्टीशन कर दिए. वो आपको पता है कि उस पर नेक आएगी और शोल्डर आएगा. उसके अलावा थर्ड हेड की भी मैंने पार्टीशन किए हैं दो. तो ये किस लिए हैं, ये आपको बताती हूँ कि जो 1/4 पार्ट है थर्ड हेड का वो आपके उस वहाँ पर आएगी एपेक्स पॉइंट. ये एक न्यू मेजरमेंट है, न्यू पॉइंट्स हैं जो हमने लिए हैं जो आपने अब अपने न्यू ग्रिड पर ले लेने हैं. और जो उसकी थर्ड हेड की सेंटर पार्टीशन है वो आप कह सकते हैं अंडर बस्ट का एरिया. उसके अलावा ये वेस्ट है यहाँ पे जस्ट लाइक बिफोर. और फोर्थ के हाफ पे हमारे पास हिप का एरिया आता है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना हेड बना लेना है. उसके बाद हमने ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना शुरू करना है. तो यू नो कि ह्यूमन फिगर जो है वो कर्वी बॉडी होती है, उसमें कर्व्स आती हैं. तो हमने अब रोबोटिक फिगर नहीं बनाना है, विद स्ट्रेट लाइन्स हमने कर्व्स यूज़ करनी है. तो पहले हम लोग नेक ड्रॉ करते हुए स्ट्रेट नेक रखते हैं, अब हम कर्व के साथ ड्रॉ करेंगे. और आप इसको मैच कर देंगे. शोल्डर्स के साथ. उसके बाद जो हमने थर्ड हेड है उसके सेंटर पार्टीशन ली हुई है और 1/4 पे लाइन लगाई हुई है. ठीक है, तो ये जो सेंटर पार्टीशन है इसका मतलब इसमें इस लाइन का मकसद ये है कि आपको ये बताना है कि आपने जब बस ड्रॉ करनी है तो वो इस लाइन से नीचे ना जाए. एंड यू कैन ईजिली सी कि मैंने जो शोल्डर के पॉइंट्स हैं वो नीचे इस लाइन पे भी शिफ्ट किए हैं. उसके अलावा मैंने पेल्विस एरिया यानी कि हिप वाली लाइन पे भी शिफ्ट किए हुए हैं जस्ट लाइक बिफोर. लेकिन अब मैंने थर्ड के सेंटर पार्टीशन पे भी इसको शिफ्ट कर दिया है बिकॉज ये मैंने मार्किंग इसलिए लिया है ताकि जो बस्ट है वो इस पॉइंट से बाहर ना जाए. उसके बाद आप इसको वेस्ट के साथ मैच करेंगे. देन मैंने आपको बताया था कि फैशन क्रॉकिंग में हमने जो पेल्विस का एरिया या हिप है उसे थोड़ा सा कम कर देना है. एग्जैजरेटेड इतनी नहीं बनानी है. तो अगर ये उन पॉइंट्स को टच नहीं भी कर रही है तो इट्स फाइन. इसके बाद आप आ जाएं फोर्थ हेड पे, उसकी एंडिंग पे. ये हमारा क्रॉच पॉइंट होगा. तो इसके लिए हमने हमने टू कर्व्स लगानी है जस्ट लाइक दिस. अब हमने ड्रॉ करनी है अपने लोअर लिम्स. तो उसके लिए मैं आपको पहले उसका स्ट्रक्चर बता दूं. जब हमने आउटर पार्ट बनाना है थाई का या लोअर लिम का तो उसमें पहले कर्व आएगी, देन वो इनवर्ड मूव करेगा. और जब आपने इनर पार्ट इनर जो साइड बनानी है थाई की तो उसमें पहले कर्व आएगी, देन वो इनवर्ड मूव करेगा, फिर आउटवर्ड बिल्कुल स्लाइटली ताकि फील ना हो. देन नी बनाएंगे आप, फिर अगेन आउटर पार्ट के लिए आपने बाहर को प्रोजेक्शन करनी है, देन स्ट्रेट. और इनवर्ड के लिए पहले स्ट्रेट रखना है, देन डायगनली आउटवर्ड. तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो आउटवर्ड जो आउटर पार्ट है थाई का या लोअर लिम्स का उसमें पहले प्रोजेक्शन है. तो डायगनली उसके क्रॉस में यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन है, इनवर्ड प्रोजेक्शन है बाहर को आउटवर्ड. ठीक है, उसके बाद यानी कि इनर थाई जो इनर साइड है उसमें पहले प्रोजेक्शन है, फिर इनवर्ड है, फिर बाहर को है, फिर अंदर है. लेकिन ये ज़्यादा फील नहीं होना चाहिए. ठीक है, स्मूथली आपने ड्रॉ करना है. ये लाइन डबल हो गई जिसकी वजह से ज़्यादा फील हो रहा है.
उसी तरह जो मैंने नी के बाद वाला पार्ट बनाया है उसमें पहले प्रोजेक्शन आउटवर्ड है, फिर डायगनली जो इनवर्ड है वो इसके क्रॉस में, उसकी प्रोजेक्शन इस तरह से, फिर अंदर को, फिर स्ट्रेट ही रहेगा बाकी पार्ट। तो यही आपने इधर कॉपी कर लेना है। हमारे सिक्स पे, सिक्स के हाफ पे जो है नी बनती है, तो हमने वहाँ तक ले जाना है, फिर इनवर्ड वाला बनाया। इसी तरह इसको यहाँ पे रिपीट कर देना है। अब आ जाते हैं ऊपर वाली साइड पर, ये आपकी अंडर आर्म्स बन गए। अब आर्म स्ट्रेट बनाना है हमने। वेस्ट के बराबर जो एल्बो ख़त्म होती है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में। तो अब आर्म का स्ट्रक्चर भी सेम लोअर लिम्स की तरह है, जो आउटर लाइन आपने बनानी है वो उसमें पहले प्रोजेक्शन आउटवर्ड आएगी, देन स्ट्रेट, और जो इनवर्ड जो इनर साइड है उसमें डायगनली उसके क्रॉस में बाद में कर्व आएगी, देन स्ट्रेट। फिर इसी तरह आपने इसको यहाँ पर रिपीट कर देना है।